1905 का जन्म है, 2004 में मृत्यु हुई है, देखो 99 इयर्स। अदर नेम्स, भारत के चार्ल्स डिकेंस माने जाते हैं, मुल्कराज आनंद, भारत के चार्ल्स डिकेंस। और इनकी जानी मानी रचनाएं नोटेबल वर्क्स में है अनटचेबल। इसका सेंट्रल कैरेक्टर है बका, बका पंजाबी और हिंदी, हाँ दोनों को ब्लेंड करके, मतलब बहुत सारा पंजाबी भी वर्ड्स इंक्लूड किया है। और इसका इंट्रोडक्शन ई एम फॉर्स्टर ने लिखा है, द सोर्ड एंड द सिकल। इसका रिव्यू जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। ऐसे चीजों के प्रश्न बनते हैं। कूली 1936, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी इनकी रचना है। विलेज, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। सेवन पार्ट ऑटोबायोग्राफी सेवन एजेस ऑफ मैन के नाम से, जिसमें उन्होंने चार ही पार्ट्स कंप्लीट करे। सेवन समर्स मॉर्निंग फेस, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। कन्फेशंस ऑफ अ लवर बबल, पिपली साहब कॉन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी, ये भी इनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स इनको क्या क्या मिले, पद्म भूषण मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड मॉर्निंग फेस के लिए मिला है। क्रिटिकल कमेंट्स, इनकी तारीफ करी ई एम फॉर्स्टर और जॉर्ज ऑरवेल ने। अब जनरल रिमार्क्स, पिकासो नाम के बहुत प्रसिद्ध आर्टिस्ट के फ्रेंड थे ये, मुल्कराज आनंद ई एम फॉर्स्टर के मित्र थे। ई एम फॉर्स्टर राइटर का नाम सुना है, पैसेज टू इंडिया। आनंद ने टी एस एलियट के मैगजीन क्राइटेरियन में काम किया था बचपन में, जब मतलब ग्रोइंग इयर्स में। इनकी आंटी के साथ जो घटना हुई, एक मुस्लिम बच्ची टिफिन लाना भूल गई थी और कास्ट सिस्टम जब जोरों में जोर पकड़े हुए था उस समय पर, टिफिन शेयर करने की वजह से उस लड़की को 17 बातें सुननी पड़ी। इस हद तक कि उस लड़की ने एंड में सुसाइड कर लिया आंटी ने। उस बात से बहुत प्रभावित होकर इन्होंने कास्ट सिस्टम और सोशल सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उनको टारगेट किया है ना, उसको टारगेट किया। द ट्रेजेडी ऑफ हिज आर्ट इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। ही गेव अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन इन तीन लोग, ये याद रखो, गांधी नेहरू एंड टैगोर, इन तीनों के ऊपर इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। ये सदस्य थे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नाम के एक ग्रुप का, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। हम थोड़ा आधुनिक सोच के साथ देखेंगे, ऐसा एसोसिएशन है। और इन्होंने उस एसोसिएशन के पहले मैनिफेस्टो, वो होता है इलेक्शन से पहले जो होता है मैनिफेस्टो, उसका हिंदी वर्ड क्या होता है, घोषणा पत्र, उसको पहले इन्होंने ड्राफ्ट किया था। फाउंडर थे मार्ग नाम के मैगजीन का। फर्स्ट एंड लास्ट वर्क्स अनटचेबल इनका और पिपली साहब 1985 में। चार इनकी आत्मकथा, देखो सेवन समर्स मॉर्निंग फेस, ये तो टू पार्ट्स हैं। उसके अलावा कॉन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी में भी खुद ही की बात कर रहे हैं, पिपली साहब भी अपनी बात कर रहे हैं। बट देखो अगर आए तो फिर सेवन समर्स
क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं, पर कहीं मैंने बखा के ऊपर डाला था और भी क्वेश्चंस, पता नहीं कहाँ चले गए, मैं बीच में घुस गया क्या? मैंने वो इसके ऊपर होली के ऊपर डाले थे क्वेश्चंस, हो सकता है कहीं जला गया हो, कोई बात नहीं। चलो, मुल्कराज आनंद वॉज बोर्न इन 1905, died in 2004. Which novel of Anand made him famous? Untouchable. Untouchable कौन से year में लिखा गया? 1932. हाँ तो गलत किया है फिर ये. Untouchable was written in the year 1935. Please check once. 35 है ये, 32 नहीं है. 35 ही ये है और 35 ही आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स में 35 है, ये दोनों अनटचेबल इनका फर्स्ट और स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण 1935. Who was बखा? नॉवेल में बखा कौन है? डॉयल एंड क्लेटन है, हाँ? Name the first novel of Mulkraj Anand which had a preface by E.M. Forster, preface ka matlab introduction, and which made him very famous. Kuli. The Old Woman and the Cow by Mulkraj Anand shows the transformation of a cow into a tigress. गौरी अच्छा the old woman and the cow, गौरी नाम की कैरेक्टर है और मुल्कराज आनंद कहते हैं ये मेरी मतलब बेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स में से एक है गौरी. मंदेवी तो दूसरे, मंदेवी अलग है मॉडर्न वाले लोगों में से. कोलटकर, अरुण कोलटकर. Who was the first winner of the Sahitya Academy Award for Best Writing in English? ये बीच में आ गया, आर के नारायण. Who was the first recipient? ये वापस हो गया, same question, इसको काटो. Best Writing in English का दो नाम नहीं हो सकता, साहित्य आर के नारायण ही है. दो जगह मैंने कर दिया same question को, कोई बात नहीं. Same question दो जगह आया है. The Untouchable describes a day in the life of Bakha. 2004 में तब जो Prime Minister थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने launched a commemorative edition. उन्होंने एक संकलन निकाला जिसमें Untouchable नाम का novel शामिल था. मनमोहन सिंह 2004 इनका ये नॉवल निकला है, मतलब उसमें शामिल किया गया. मुल्कराज आनंद ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इज सेवन समर्स. मुल्कराज आनंद सेड अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर्स, गौरी इज माय ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमनहुड. गौरी अपीयर्स इन द नॉवल द ओल्ड वुमन एंड द काउ. मैंने बखा के ऊपर ये जो आपका ये है ना अनटचेबल, नहीं अनटचेबल जो है इसको काफी डिटेल में मैंने पहले करा रखा है, आप एक बार उसको इसलिए देख लो कि भाई किसने क्या बहाना बनाया, लखा ने क्या बहाना बनाया कि वो काम पे नहीं जाना चाहता है ना, वो सोहिनी उसकी सिस्टर है. एक रीडिंग लगा लो बस, है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना, पहले कर रखा है, इसको बंद करो. Thank you.